हमारा हर गलत डिसीजन हमारे लिए दुश्मन बन जाता है, हमारा हर गलत अभिप्राय हमारे लिए दुश्मन बन जाता है, हमारा घमंड हमारे लिए दुश्मन बन जाता है, हमारा किसी गलत इंसान के साथ रहना हमारे लिए दुश्मन बन जाता है, और वही हमारी दुश्मनी का कारण बनता है। दोस्तों, जिनको आप अपना दुश्मन समझ रहे हैं, जिनसे आप जिनके अगेंस्ट रहते हैं, जिनके बारे में आप बुरा सोचते हैं, यकीन मानिए अगर किसी का आप बुरा सोच रहे हैं तो वो आपके दुश्मन है ही नहीं। आपके दुश्मन है ईर्ष्या, आपके दुश्मन है हर वो चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और उसी दुश्मन को कैसे खत्म करना है, किसी संगत होनी चाहिए, किसी गलत इंसान की अगर आप संगत कर रहे हैं और उसको सही इंसान के साथ कैसे रहना है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। महाभारत का भी एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा जो बहुत ही दिलचस्प है, भगवान श्री कृष्ण जी और कर्ण जी के ऊपर, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इस मोटिवेशनल वीडियो में अधूरा ज्ञान हमेशा आपके लिए घातक हो सकता है, ऐसा आचार्य चाणक्य जी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको महाभारत का किस्सा सुनाऊंगा। जब कर्ण कहता है कि मैं बहुत खुश हूं दुर्योधन की मित्रता पाकर, बेशक से वो गलत है मगर उस दोस्त ने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मैं अकेला था, ऐसे दोस्त की मित्रता को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इस संवाद के बीच में दुर्योधन कहता है, कर्ण कहता है भगवान श्री कृष्ण जी से, हे भगवान, मैंने मेरे साथ जिंदगी के हर पल में गलत गलत हुआ, मेरे को कभी अच्छी शिक्षा नहीं मिली, जो कि मेरे को गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि मैं तुझे अच्छी शिक्षा नहीं दूंगा, ना दूंगा, क्योंकि मैं राजकुमार पुत्रों को शिक्षा देता हूँ। साथ ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, जो कि कुंती जी थी, उन्होंने उसको त्याग दिया था बचपन में ही, और मेरे साथ पल पल गलत हुआ, ऐसा कर्ण ने कहा। कर्ण ने साथ ये भी कहा कि मैंने जब शिक्षा ली परशुराम जी से, जो कि सिर्फ ब्राह्मणों के पुत्रों को शिक्षा देते थे, और जब उनको भी पता लगा कि मैं ब्राह्मण पुत्र नहीं हूं, उन्होंने मेरे को श्राप दे दिया। मैं मेरे दानवीर होने की वजह से मेरा कवच और कुंडल भी मैंने दे दिया, मैंने युद्ध में हमेशा खोया है, मैंने जिंदगी में हमेशा खोया है, ऐसी परिस्थिति में सिर्फ मेरे को आदर सम्मान दुर्योधन के कारण मिला, बेशक से वो अधर्म का युद्ध कर रहा है, मैंने उसके साथ दोस्ती करके अपने आप को धन्य पाता हूँ, मैंने बेशक से अधर्म के पक्ष में हूँ, मगर एक दुर्योधन ही ऐसा इंसान है जिसने मेरा बुरे क्षण में मेरा साथ दिया, उसकी मित्रता पाके मैं धन्य हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी गलत इंसान के साथ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं या फिर मित्रता भी कर रहे हैं, तो निश्चित ही इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, निश्चित ही तुम्हारे पास तुम्हारी माँ ने तुम्हें त्याग दिया, निश्चित ही तुम्हें गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी, क्योंकि तुम एक सूत पुत्र थे, तुम एक क्षत्रिय नहीं थे, निश्चित ही परशुराम जी ने तुम्हें श्राप भी दिया, मगर क्या तुमने कभी इन्हीं चीजों को ये सोच के अपना भलाई के कार्य में अपना दिल अपना दिमाग लगाया? दोस्तों, यहां भगवान श्री कृष्ण जी बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि कर्ण, तुमने हमेशा अर्जुन से बदला लेने की भावना रखी, अर्जुन को अपना दुश्मन समझा, तुमने सोचा कि मैं एक महान सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन जाऊं, इसी ईर्ष्या के कारण तुमने हमेशा सिर्फ और सिर्फ अर्जुन से बदला लेने की ठानी। तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, सिर्फ अर्जुन से एक बदला लेना ही तुम्हारा मकसद है, एक सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनना तुम्हारा मकसद है। तुम्हें हर उस इंसान से ईर्ष्या होती है जो क्षत्रिय है, या फिर तुम एक तरीके से तुम इसलिए ईर्ष्या करते हो क्योंकि वो एक क्षत्रिय पुत्र है, इसे शिक्षा मिली, उसे अच्छा एक शिक्षा मिली, इस बात पे तुम्हारी ईर्ष्या है। यहां भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुमने एक तरीके से अपनी दुश्मनी निकाली। दोस्तों, यहां पे आपको बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारा असली दुश्मन ये नहीं था, तुम अपना पूरी जिंदगी की ताकत सब कुछ सिर्फ एक चीज में झोंक के देखते, तुम समाज की भलाई के अंदर अपने कार्य को लगाते, तुम समाज के उस हिस्से को सही करने में लगाते, उस हिस्से को शिक्षा दे सकते थे जो हिस्सा जिसको शिक्षा नहीं मिल पा रही, समाज की भलाई के अंदर कारण कर सकते थे, राक्षसों को नाश करके कर सकते थे, राक्षसों को खत्म करके कर सकते थे, लोगों के साथ जहां जहां गलत हो रहा अपनी शक्तियों का सदुपयोग करके कर सकते थे, मगर तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही है कि तुम ईर्ष्या करते हो, तुम अर्जुन को अपना दुश्मन समझते हो, तुम सोचते हो उसको मैं कैसे हरा दूं और सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन जाऊं। यहां पर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तुम्हें दुर्योधन की दोस्ती मिली,
क्यों नहीं तुमने किसी ऐसे इंसान की दोस्ती करी जिसने, जो तुम्हारी तरह, जिसको एजुकेशन ना मिली हो, जिसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिली हो, जिसको जिसको आगे बढ़ने के अवसर ना मिले हो। अगर समाज की भलाई में तुमने अपने कार्य को लगाया होता तो निश्चित ही तुम्हें कामयाबी मिलती। दोस्तों, इससे आपको एक बात तो समझ आ ही गई होगी कि बेवजह गलत दुश्मन को चुनना भी मूर्खता का काम है। आपका असली दुश्मन आपके अंदर ही है। किससे ईर्ष्या करना? जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि ये हमारा क्या है क्या नहीं, हम सोचते बस यार इसका बुरा हो जाए, कैसे भी इसके साथ कुछ गलत हो जाए, मेरे को इससे खुशी मिल जाएगी। ऐसा काम करने वाले लोग सिर्फ मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। दुश्मन आपके अंदर ही छुपा है, ना कि वो इंसान है जिससे आप ये सोच रहे हैं मेरा दुश्मन है। अगर दो लकीरें हैं, आप बिना एक दूसरी छोटी लकीर को छुए अपनी लकीर को बड़ा कर लीजिए, आप बड़े हो जाएंगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को नीचा साबित करके, सामने वाले को छोटा साबित करके, सामने वाले के साथ गलत करके आपको ऊपर बढ़ना है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को, दूसरों के बारे में बुरा सोच सोच के ये सोचते हैं यार इसके साथ काश बुरा हो जाए, इसका काम ना बने, इसकी इसका इसका बना बनाया काम बिगड़ जाए, मेरे को जॉब में इंक्रीमेंट मिल जाए, इसको ना मिले, इसके साथ कुछ बुरा हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊँ। ऐसा काम करने वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जिंदगी में जो चीज़ें आप, जिन चीज़ों में लैक कर रहे हैं दोस्तों, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है, निश्चित ही अज्ञान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो उसके पास ज्ञान नहीं, उसको हमेशा ज़िंदगी में मुसीबत आती है। हम अक्सर अज्ञान ही हमारे, हम अगर आज हमारे पास शाखा में किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, हम किसी से, कोई हमारा दुश्मन बन चुका है, कोई हमसे आगे निकल चुका है, तो उसे आप अज्ञान से कभी भी ओवरकम नहीं कर सकते, ना ही उसके साथ बुरा करके हो सकते हैं। आपको अपनी नीति बनानी चाहिए कि मैं पढ़ूं, मैं समझूं, मैं चीज़ों के ऊपर और मेहनत करूं, मैं समाज के उत्तीर्ण में कैसे उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या मेहनत करके अपने, दोस्तों मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई विकल्प नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब अर्जुन और भीम और इन सब पांचों पांडवों ने बोला कि हमें तो राजपाट देने की जगह इन्होंने एक छोटा सा इंद्रप्रस्थ दे दिया है, और इस इंद्रप्रस्थ से हम क्या करेंगे, हमें तो, हम जबकि जो राज्य हमें देना चाहिए था आधा आधा, उन्होंने एक इंद्रप्रस्थ दे दिया, हम इसे कैसे बनाएंगे, वहां तो सारे जंगल है, कैसे बनाएंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी उस बात पे कहते हैं कि ये तुम्हारी सिर्फ भूमि का एक टुकड़ा नहीं, ये तुम्हारी कर्म भूमि है। दुर्योधन को अपने माता पिता से मिला है, जो मिला है, जैसा मिला है, सब अपने माता पिता से मिला है। तुमने अपने आप क्या करा? दोस्तों, भगवान श्री राम जी के पास भी विकल्प था। वो चाहते तो कह सकते थे मैं क्यों वनवास लूं, मेरे पिताजी ने संकल्प लिया है, मेरे पिताजी ने वर दिए थे कैकेयी माता को, मैं क्यों जंगल में जाऊं, मेरे बस की नहीं है, वहां क्यों जंगल में जाके बैठूं मैं, मेरा आपने पिताजी, आपने वर दिया है। भगवान श्री राम जी का एक ही, सिर्फ एक रिप्लाई था, और बहुत ही दिलचस्प, बड़ा प्यारा। दोस्तों, इसके ये रिप्लाई अगर आपने समझ लिया ना, तो यकीन मानिए आपकी कामयाबी निश्चित है। जब राम, भगवान श्री राम जी के पिताजी दशरथ जी बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि मेरा बेटा अब वनवास में जाएगा, तो भगवान श्री राम जी को बुला के बोलते हैं, और कैकेयी माता बोलती है कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे वर दिया था, प्रॉमिस दिया था कि वो मेरी इच्छाएं पूरी करेंगे, और मैंने इच्छा मांगी है कि राम को वनवास मिले, इसी बात पे तुम्हारे पिताजी बहुत ज़्यादा दुखी है। तो भगवान श्री राम जी का रिप्लाई, दोस्तों रिप्लाई, ये रिप्लाई ऐसा रिप्लाई था जो करोड़ों अरबों रुपए देके भी कोई इंसान नहीं समझ सकता। वो रिप्लाई सिंपल सा था, वो रिप्लाई था बस इतनी सी बात, मेरे पिताजी अगर ये चाहते हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। भगवान श्री राम जी का यहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड समझने को मिला, उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने जिंदगी में जो शिक्षा ग्रहण करी है, जो मेहनत करी है, जो अगर वो सिर्फ राज्य में बैठे रहते तो उनको कुछ समझ नहीं आता, ना वो राक्षसों को खत्म कर पाते, ना किसी को, समाज के लिए वो कुछ नहीं कर पाते अपने राजपाट में बैठकर। वो अपनी कर्म भूमि में गए, उन्होंने जाके युद्ध लड़ा, राक्षसों का नाश करा, लोगों को अच्छे मार्गदर्शन करे, भगवान श्री हनुमान जी से मिले, सुग्रीव से मित्रता करी, और उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे मित्रता होनी चाहिए। भगवान श्री राम जी ने जो मित्रता करी, उसमें भी भगवान श्री राम जी ने बोला
कि मैं तुम्हारे साथ मित्रता चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई संधि नहीं चाहता, कोई पॉलिटिकल संधि नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ ये मेरी युद्ध में मेहनत करो, मैं तुम्हारे बाली के साथ उसका नाश करूंगा, ऐसा भगवान श्री राम जी ने नहीं करा। भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव से मित्रता करी। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, रिलेशन भी बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी के साथ कुछ बेचने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ अपने माल को बेचना है। आप सामने वाले के साथ एक दोस्ती कर सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड दे सकते हैं। जो लोग कॉल करते हैं ना दोस्तों, सर मेरा ये प्लान ले लीजिए, इस प्लान के अंदर ये आपको मिलेगा, ऐसे लोगों का सामान कभी भी नहीं बिकता। आप फोन करिए, हेलो सर कैसे हैं, सर मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज पहली बार बात हुई, आपके बारे में थोड़ा स्टडी करा मैंने, मेरे को पता लगा, मैं समझता हूँ सर आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये प्रोडक्ट, ये चीज़, ये प्लान, ये जो भी आपको काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे बात करेंगे और उससे मित्रता का भाव रखेंगे तो निश्चित ही दोस्तों लोग रिलेशन के भूखे होते हैं, लोग प्यार के भूखे होते हैं, और ये प्यार मुफ्त की चीज़ है, अगर आप बांटेंगे तो निश्चित ही आपको मिलेगा। और ये काम ना करना ही आपकी दुश्मनी है, इसलिए दुश्मन को पहचानिए ताकि दुश्मन आपके आगे घुटने टेक दे और आपके अंदर की प्रॉब्लम ही आपका दुश्मन है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद, इसको लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।